अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है मेरे बच्चे, नाम है स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स। बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जैसे कि मैंने बताया कि स्किन ऑफ वर्टिब्रेट, तो बेटा जो स्किन होती है वो इंटेग्यूमेंटेड होती है, एक आउटर कवरिंग होती है वर्टिब्रेट की, जो कि क्या कहलाती है बेटा स्किन। स्किन की हमेशा थ्री लेयर्स होती हैं। एपिडर्मस है जो कि आउटर लेयर होती है, एपिथीलियल टिश्यू से मिलकर बनती है। डर्मिस जो कि एपिडर्मस से नीचे होती है और जो किससे मिलकर बनती है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। और हाइपोडर्मस जो कि डर्मिस से भी नीचे होती है, जो कनेक्टिव टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज और नर्व फाइबर से मिलकर बनती है। अब मेरे बच्चे वर्टिब्रे में सबसे पहला मैं स्टार्ट करूंगा फिश, उसके बाद अम्फीबियस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो सबसे पहले हम फिशेस को स्टार्ट करते हैं। फिश मेरे बच्चे सबसे पहले जो फिश आती है वो जालेस फिश है, जिसके जबड़े नहीं होते, जा नहीं होते, जबड़े नहीं है, जैसे कि लैम्प्रेज है और हैगफिश है। अब बड़ा लैम्प्रेज और हैगफिश जो जालेस फिश है मेरे बच्चे, देखना इसके पास जो थिक स्किन होती है, मोटी स्किन होती है, इसके स्किन के पास ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं और ग्लैंडुलर सेल्स सिक्रीट करते हैं प्रोटेक्टिव क्यूटिकल को। ग्लैंडुलर सेल्स हैं, थिक स्किन है, ग्लैंडुलर सेल क्या बनाते हैं, क्यूटिकल को बनाते हैं जालस फिश के अंदर। इसके सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मस, फिर ग्लैंडुलर सेल्स, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। हैग फिश को हम स्लाइम ईल भी कहते हैं। स्लाइम ईल मेरे बच्चे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक लंबाई की रुख में होती है, लंबी होती है और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव सी लेयर होती है और वो प्रोटेक्टिव सी एक लेसली सी लेयर होती है, वो लेसली सी जो लेयर है वो स्लाइम कहलाती है। मेरे बच्चे देखा रहे हैग फिश के पास मल्टी सर्वस स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं, मल्टी सर्वस स्लाइम ग्लैंड्स। ये स्लाइम ग्लैंड्स किसको खारिज करते हैं बेटा, स्लाइम को। और वो स्लाइम क्या है, इस मछली के ऊपर जो लेसलापन आता है वो स्लाइम कहलाता है, जिससे मेरे बच्चे इसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। किस चीज का फायदा होता है, जैसे कि देखिएगा सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो किस चीज का बेटा, जो कि कवर करता है कंप्लीट बॉडी को और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल पैरासाइट। तो पैरासाइट से बचने के लिए और पूरी बॉडी को कवर करने के लिए इसके पास क्या होती है बेटा, स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइम को खारिज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जालस, अब आता है कार्टिलेजिनियस फिशेस। कार्टिलेजिनियस फिश में से हम देखते हैं शार्क। शार्क कार्टिलेजिनियस फिशेस है और कार्टिलेजिनियस जो फिशेस है इसके पास मल्टीसेल्युलर थिक सेल, थिक स्किन है सॉरी। इसके बाद कंटेनर्स होता है म्यूकस और सेंसरी सेल्स होते हैं और इसके पास जो स्केल्स होते हैं वो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, जिसको डेंटिकल्स भी कहते हैं। डेंटिकल्स आपके दांतों की तरह जो स्केल्स होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स, ये शार्क के पास है। शार्क ने कहना तो कार्टिलेज फिश के पास है। कार्टिलेज फिश मल्टी सेलुलर थिक स्किन रखने वाली, म्यूकस मौजूद है, सेंसरी सेल मौजूद है और डेंटिकल्स जो कि प्लेकोइड स्केल्स को मैंने नाम दिया है। डेंटिकल्स की पहचान क्या है, ऐसे स्केल्स जो ह्यूमन टीथ की तरह। इसके ब्लड वेसल्स भी होता है, प्रेजेंट होता है डर्मिस के ऊपर, ग्रो करता है थ्रू आउट लाइफ और अपनी ग्रोथ को रोक लेता है आफ्टर मैच्योरिटी। इवन के ये स्केल गिर भी जाते हैं और ग्रो भी कर जाते हैं। और ये जो स्किन होती है शार्क की, कह लें कार्टिलेज की, सैंड पेपर की तरह होता है इसका टेक्सचर। ऐसे हाथ लगाओ ना, ऐसे फेरो तो ऐसे लगता है जैसे सैंड पेपर है, खुरदरा सी स्किन नजर आती है। इसके बाद कंटेनो पिगमेंटेड लेयर भी होती है, ये इसकी पहचान है डेंटिकल्स की। ये मेरे बच्चे देखे, इसका ये एक स्केल है, इसकी ऊपर लेयर का नाम है एनामल, नीचे लेयर का नाम है डेंटाइन। दोनों के मतलब तो बना क्या बना, बन रहा डेंटिकल्स बना। क्या बना बेटा, डेंटिकल्स बना। इसके नीचे ये जो आपको कैविटी नजर आती है, देयर कॉल्ड पल्प, उसके नीचे ये एक पिगमेंटेड लेयर है, उसके नीचे डर्मिस है, उसके नीचे क्या हाइपोडर्मिस है। इसके बाद अगली फिश आती है बोनी फिशेस। बोनी फिश की एग्जांपल है लेब्योरहिटा। लेब्योरहिटा आपने नाम सुना होगा, रहू, काला रहू, काला रहू जो आपने नाम सुना होगा, बड़ा बिकता है बाजारों के अंदर मछली जो खाई जाती है सर्दियों के अंदर, लेब्योरहिटा ही पकती है। तो बोनी फिश की पहचान थिक स्किन लेयर होती है, मोटी स्किन लेयर है, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, इसके पास ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद होते हैं, फोटोफोर्स होते हैं, म्यूकस सेल होते हैं और ये डर्मल स्केल्स रखती है। बोनी फिशेस थिक स्किन लेयर है, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं स्किन के ऊपर, फोटोफोर्स मौजूद होते हैं स्किन के ऊपर, म्यूकस सेल होते हैं स्किन के ऊपर, डर्मल स्केल होते हैं स्किन के ऊपर। डर्मल स्केल की पहचान क्या है, जो कि बना होता है किससे बेटा, डर्मल बोन से, कंपोज होता है डर्मल बोन से, थिन लेयर डर्मल टिश्यूज मौजूद होती है और ये ग्रो करते हैं ऑफ डर्मल स्केल एट मार्जिनल, ये अपनी मार्जिनल साइड से ग्रो करते हैं एंड सरफेस एरिया, इट हैज़ ग्रोथ लाइन, इसके ऊपर ग्रोथ लाइंस भी होती हैं और ये मार्जिनल साइड पर ग्रो करते हैं, जिसकी पहचान है बेटा डर्म। जैसे कि आपके सामने डर्मल जो कि स्केल है, इसका ये जो मार्जिनल साइड है यहाँ से ग्रो, ये यहाँ से ग्रो कर सकता है और ये इसके पास जो लाइनिंग है इसको कहते हैं बेटा, ये दे आर कॉल्ड ग्रोथ लाइनिंग है। जैसे कि बोनी फिश की आपके पास ये स्किन है, ये है स्केल, ये है डर्मल टिश्यूज, ये है एपिडर्मस, ये डर्मिस और ये है बेटा हाइपोडर्मस। तो ये एक स्किन है जिसका नाम क्या बेटा, बोनी फिश की। अब बोनी फिश की स्किन के ऊपर म्यूकस सेल भी था। अब म्यूकस स्केल
ये जो म्यूकस ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है म्यूकस को, जो कि प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल बैक्टीरियल पैरासाइटिक इन्फेक्शंस एंड प्रीडेटर। तो प्रीडेटर और पैरासाइटिक इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए म्यूकस को खारिज करती है, और वो जो म्यूकस है जो कि म्यूकस ग्लैंड से खारिज होती है वो प्रोटेक्ट करती है इन सब चीज़ों से। इससे जो इसके पास ग्लैंडुलर सेल्स है वो अल्कलॉइड जो कि बेसिक नेचर होता है पॉइजन है, ठीक है, पॉइजनस होता है, वो उसको खारिज करता है जो इरिटेट करता है किसको बेटा, प्रीडेटर को। इसी तरह जो फोटोफोर्स है ये बोनी फिशेस के पास होता है, और जो बोनी फिश के पास फोटोफोर्स है ये रिकॉग्नाइज और अट्रैक्ट टू अदर स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज को अट्रैक्ट करने में और शिनाख्त करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। इसी तरह अगर देखा जाए जो स्किन है, जितने भी मेरे बच्चे ये आपको नज़र आती है बोनी फिशेज, इनकी स्किन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है रेस्पायरेशन के लिए, क्योंकि इंक्रीज सरफेस एरिया होता है तो रेस्पायरेशन के लिए भी ये इन्वॉल्व होती है। तो ये बड़ा स्किन फिशेस का, बाकी एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स भी अपलोडेड है इसकी स्किन, तो जाके वो भी देख लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।